हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है नंबर रिवीजन में यहाँ देखेंगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर, किसी भी नंबर को हम जो है जब वो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया रखा है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ देखो बच्चों, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है सिक्स टेन एग्जाम्पल के रूप में आप टेन, और उसके बाद यहाँ पर दे दिया है फोर वन। इस नंबर को आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे और उसके बाद इसको आप वर्ड किस प्रकार से लिखेंगे या नंबर में लिखेंगे, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा इसमें। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा लिखेंगे 310+61। यहाँ पर एक बात बना हुआ रहता है, उसी तरीके से यहाँ पर 410+21=2। ऐसे वक्त हो रहा है क्वेश्चन, आप देख रहे बच्चों ये नंबर जो दिया गया है ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये नंबर किस फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में है। इसको हमको जो है पहले वाले बात की फिगर में जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक, मतलब संक्षिप्त रूप में लिखना है। और दूसरे वाले बात की बच्चों, इसी नंबर को हमको वर्ड में लिख देना है, अर्थात इसका जो है नंबर नेम लिखना है। यहाँ देखेंगे बेटा, सबसे पहले लिखा होगा सिक्स टेन। सिक्स टेन का मतलब क्या होता है, सिक्स टेन का मतलब होता है 50। ठीक है, उसके बाद इसमें हमको क्या करना है, फोर वन। फोर वन का मतलब होता है फोर। जब इसको हम प्लस करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 0+4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका इसको क्या पढ़ेंगे 64। यही नंबर जो है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसी को आपको यहाँ पर लिखना होगा 64। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे 64 पढ़ेंगे। और उसके बाद इसको आपको वर्ड में यहाँ पर लिखना है, क्या लिखेंगे बच्चों, SIFTY 60 और उसके बाद इस तरीके से आप नंबर को वर्ड में लिख देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आप हमको किस तरीके से हमको जो है बात को क्लियर करना है। यहाँ लिखा हुआ है बेटा 3 टेन का मतलब होता है 30। 3 टेन का मतलब क्या होता है 30। और उसके बाद प्लस इसमें करना है 6-1। तो यहाँ पर हम 6-1 का मतलब सिक्स होता है, प्लस करेंगे बेटा तो आपका आएगा 0+6=3। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 36। ये 36 ही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 3-10 and 6-1 का 36। अब इसको हम जो है पढ़ते हैं 36, तो 36 का हमको वर्ड में लिखना होगा इसको, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पर
तो इससे हम सेकंड लिखा है तो 4 10, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 4 10, अरे 4 10 का मतलब होता है 40, ठीक है। 1 10 का मतलब 10 होता है, 2 10 का मतलब 20, 3 10 का मतलब 30, 4 10 का मतलब 40। इस तरीके से जो है 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें आपका उसका वैल्यू निकल जाएगा। कई बार 2 1 मतलब 2, हमको इसमें प्लस करना है क्या आएगा 0 2 2 और यहाँ पर 4। ये नंबर कौन सा बन गया 42। 42 को यहाँ पर आप यूज करेंगे 42 और इसको आप कन्वर्ट करेंगे ये तो बच्चों स्टैंडर्ड फार्म में हम किसी भी जो है एक्सपेंडेड फार्म वाले नंबर को किस तरीके से लिखते थे लिखते हैं जो है ये इसमें दिया गया है। आइए बेटा एसएससी और सेल्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ऐसे योर सेल्फ में आपके दो प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन बेटा आपका 10 और 1 वाला है और क्वेश्चन नंबर बी में आपका 100 का प्लेस भी इसमें बढ़ा दिया है। तो हम लोग पहले जो है यहाँ पर ऐसे योर सेल्फ पेज नंबर आपका ए का डिजाइन पर शुरू पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ए लिखिए बताइए ना लिखा है लाइट की स्टैंडर्ड था लाइट की स्टैंडर्ड पर स्टैंडर्ड था में आपको राइट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे यहाँ पर 3 10 प्लस 9 1 और यहाँ पर जो है बाप बनाया हुआ है इक्वल टू और क्वेश्चन आपसे पूछता है यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन 5 10 प्लस 5 1 इक्वल टू बॉक्स बनाएंगे आपका प्लस तो बॉक्स बनाएंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन 8 10 प्लस 2 1 इक्वल टू इस तरीके के क्वेश्चन आपको एसएससी और सेल्फ में क्वेश्चन नंबर ए में दिया गया था। यहाँ देखेंगे अभी ऐसा क्वेश्चन आपको बताया गया था केवल ये वाला पार्ट आपको नहीं दिया गया था, ठीक है। तो इसमें जो हम ऐड कर रहे थे वो अलग अलग लिख करके इस साइड में सेम वही नंबर आपको दोनों बात में फिल करना है। जैसे यहाँ मैंने बता दी 3 10 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3 10 का मतलब होता है 30, 3 10 का मतलब क्या होता है 30। तो पहले वाले बात में आपके बनेंगे 30 या फिर 30 और प्लस का सिंबल लगा हुआ है। यहाँ भी आप देखते हैं दोनों जगह प्लस का सिंबल लगा हुआ
जीवन का मतलब क्या है? नाइन। अब इन दोनों को आपको वर्टिकल मेथड के द्वारा ऐड करके हमने बताया था इस तरीके से 30+9 ऐड करने के बाद तो आ जाएगा आपका 39। क्या आ रहा है? 39। ये 39 इस वाले बात में आपको फिल करना है, ठीक है बेटा? 39 कहाँ फिल करना है? इस वाले बात में 39। अब इसको हम पढ़ते हैं 39, तो 39 को आप वर्ड ले यहाँ पर लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? TSIRTY39। इस तरीके से सेम इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन आता है, लेकिन 5 10+5 1 तो 5 10 का मतलब क्या होता है? 15। यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? पहले वाले बात में 15 और उसके बाद प्लस का सिग्नल लगा हुआ है, यहाँ पर देते हैं 5 1 फाइव वन का मतलब होता है 5 1 का मतलब 5। अभी 50 एंड 5 को आप ऐड करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 55। क्या आएगा? 55। अब उसको हम पढ़ते हैं 55, तो 55 आपको राइट करना भी होगा, लिखना भी होगा, हुआ करके तो इसलिए आप FIFTY55। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे लिखा है यहाँ पर 8 10। 8 10 का मतलब होता है बेटा 80। 8 10 का मतलब क्या होता है? 80। प्लस का सिंबल यहाँ लगा है, प्लस का सिंबल यहाँ पर भी लगा है। ये 2 1 2 1 का मतलब होता है 2 1 यानी 2। अब 80 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 82। यहाँ पर क्या करेंगे? 82। ठीक है, और उसके बाद 82 को हम राइट करेंगे वर्ड में GHYTWO 82। इस तरीके से इसको वर्ड में लिखना है। देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो पार्ट आपको दिया गया है ये है एक्सपेंडेड खान, ठीक है? ये क्या है? एक्सपेंडेड खान है। अभी पिछले वीडियो में आपको बताया गया था किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड खान में दो प्रकार से लिख सकते हैं, चाहे इस तरीके से आप लिखे या फिर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये भी आपका एक्सपेंडेड खान है, ठीक है? ये दोनों क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में दोनों तरीके से लिखकर बताया गया है, और जो यहाँ पर लिखा गया है ये आपका जो है एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है? ये क्या है? संक्षिप्त रूप है संख्या का, तो एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म और यह भी एक्सपेंडेड फॉर्म है, चाहे इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म लिखे चाहे इस तरीके से लिखे। उसके बाद इस नंबर को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा गया है और इसी नंबर को अगले वाले वाक्य में वर्ड में लिखा गया है, अर्थात उसका नंबर नेम लिखा गया है, ठीक है? ये तो हमारा था 2 डिजिट का नंबर जो 1 और 10 से मिलकर बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा, इसमें जो है 3 डिजिट की नंबर आपको मिलेगी। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है बेटा, राइट नंबर था राइट ए न्यूमेरल एन यू एम ए आर ए एल 5
न्यूमेरल चार में कितना है आपको क्वेश्चन आपके लिए याद है क्वेश्चन नंबर वन 200 SUMBREDE S plus CA plus 81 उसके बाद यहाँ पर आपको बात करना है और एक बात और है जो यहाँ पर ध्यान देना है इस साइड में इसको बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर ठीक है और सेकेंड क्वेश्चन है बेटा इधर 500 प्लस 16 प्लस 81 इक्वल टू 1 बना हुआ है यहाँ पर इसको बनता है प्लस 1 बने हैं और ये आपको यहाँ पर ठीक है यहाँ पर देखिए जगह यहाँ पर हम इस बात को मुख्य बना रहे हैं ठीक है इसमें आप ध्यान दीजिए यहाँ पर यहाँ क्या होगा 200 200 का मतलब होता है 200 200 हो गया ठीक है उसके बाद प्लस का साइन यहाँ भी लगाया यहाँ भी लगाया 310 का मतलब अभी पूछने वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया था 310 का मतलब 30 होता है 30 यहाँ भी लगे प्लस प्लस का सिंबल यहाँ लगाया हुआ है 8 प्लस का मतलब यहाँ पर 80 अब जब इन तीनों को आप ऐड करेंगे जैसे जैसे देखिए 230 ए इसको प्लस करने का तो आपका आ जाएगा 832 क्या आएगा 238 तो यहाँ पर क्या करेंगे इसका आंसर आएगा 238 है 238 अब इसी नंबर पर यहाँ पर वर्ड भी लिख देना है क्या लिखे A. इस तरीके से आप यहाँ पर वर्ड लिखेंगे दूसरे लेंगे तो 500 तो मतलब आप 500 कितने लिखेंगे 5 लिखकर के डबल जीरो कहेंगे उसके बाद 610 का मतलब होता है 60 अभी आपको बताया गया है और नेक्स्ट लिखा होता है 81 का मतलब A अब जब इसको भी आप इसी तरीके से ऐड करेंगे बेटा तो आप पाएंगे 568 क्या पाएंगे 568 और 568 को आप वर्ड में लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 500 यहाँ देखेंगे एक तो आपका लिखा है राइट न्यूमेरल फॉर्म न्यूमेरल फॉर्म जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है सेम से ठीक है न्यूमेरल
कहेंगे या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे, ये दोनों सेम है। आप यहाँ उठाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये नंबर का क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म, या फिर इसको भी आप एक्सपेंडेड फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी ये क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म में है, निर्धारित रूप में है, या फिर यहाँ से यहाँ तक भी इसको भी कर सकते हैं आप निर्धारित रूप में है या एक्सपेंडेड फॉर्म में। और ये जो है एक किस फॉर्म में बनते हैं, एक न्यूमेरल फॉर्म में भी कर सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कर सकते हैं, मतलब इसको संक्षिप्त रूप कहा जाता है। और उसके बाद इसी नंबर को यहाँ पर इसको वर्ड में लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर बी में है बच्चों, इसको आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग होमवर्क ले लेते हैं। होमवर्क में ये कुछ लोग करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन, राइटिंग न्यूमेरल फॉर्म, ठीक है, ये आपका नंबर है। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों 4k + 2 1 = यहाँ पर पास बना हुआ है, यहाँ पास है इक्वल टू, यहाँ पर पास है और यहाँ पर ठीक है। और इसी तरीके से 6 100 यह 100 और 2 10 + 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर 100 days और 1 ये 60 हार में लिखा गया है, ठीक है। एक पेंडेंट हार में नंबर है, इसको आप जो है यहाँ भी पेंडेंट हार में लिखेंगे और ऊपर भी साइड में जो है जो बात बना है कि स्टैंडर्ड हार में आप न्यूमेरल हार में लिखेंगे और इस बिग बात में जो है आपको उसको वर्ड में लिखना है। इसको आप बेटा होमवर्क रूप में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस ऐसे सीओर से उसका जो क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने बताए हैं और कुछ जो है छोड़ दिए हैं, उसको भी आप इसी बुक में कंप्लीट कर लेंगे होमवर्क बुक में। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे काइंड ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।